तो हेलो भाई लोग, गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोग आ गए, तो चलो हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आ चुका हूँ कटोसन वाली साइड पे। तो यहाँ फिर से क्यों आना हुआ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पत्थर लिखने का बाकी था। ठीक है, हम यहाँ पर पत्थर लगा के तो चले गए, लेकिन किलोमीटर लिखने का बाकी रह गया था, तो वो मैं लिखने के लिए आ गया हूँ। ठीक है, तो दिखा दे, देखो वहाँ पे वो बाइक पड़ी है हमारी, वो वाले किलोमीटर भी देखो मैंने लिख दिया है, और ये ऐसा कुछ नज़ारा है। तो पहले मैंने इस साइड के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया नहीं था, ठीक है, इसलिए मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी लोकेशन दिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छी जगह दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा खतरा भी है, इसीलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देख लो पहले आप लोकेशन। तो मैंने आगे बोला था कि ये पूरा जंगल इलाका, ठीक है, यहाँ सादरा भोईनी वो सब क्या है, जंगल इलाका है, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला था। देख लो ये सब जंगल इलाका है, थोड़ा सा आगे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लो ये सब, और वहाँ पे जो है वो झाड़ियाँ, वो जंगल है। देख लो इस तरफ भी, देख लो पूरा। ठीक है, और वहाँ पे है रोड नज़दीकी, वो सिंगल पट्टी रोड, इतना ज़्यादा बड़ा रोड नहीं है। तो यहाँ पे ये देख लो एक छोटा सा पुल जैसा जानवर को पानी पीने के लिए बनाया हुआ है। देख लो ये, यहाँ पे तो जंगली जानवर क्या है, पानी पीने के लिए आते हैं। यहाँ पे पैरों के निशान भी है बहुत सारे। तो इतने कोई जंगली जानवर, शेर चीता ऐसा तो नहीं है यहाँ पे। क्या है वो, जरख यानी हाइना, जरख है, लोमड़ी है, फिर सुअर है, ऐसे जंगली जानवर, छोटे मोटे जंगली जानवर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए अभी क्या गर्मी का मौसम भी आ रहा है, तो अभी से ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए उन लोगों को पानी पीने के लिए बनाया हुआ है, देख लो। ठीक है, और पास ही में ही है ये रोड, और ये रोड से उतरते हुए यहाँ पे है ये पुल, और फिर यहाँ से सब जंगल स्टार्ट हो जाता है। ये देख लो, मैं आपको चलो थोड़ा सा अंदर जाके दिखाता हूँ। ये देख लो, देखो आप सब देख सकते हो वहाँ पे सब जंगल इलाका। ठीक है, तो यहाँ पे हाइना वगैरह तो आते हैं पानी पीने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे हाइना क्या है कि बहुत ही डेंजरस है। तो हाइना शेर का भी सामना कर सकता है, तो हम इंसान सकते हैं, वो इंसान को भी मार सकते हैं। ठीक है, इसीलिए, और हाइना झुंड में रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा खतरा है, देख लो। तो चलो ज़्यादा अंदर मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, अभी क्योंकि काम करना है, तो काम ख़त्म करके फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है सब, तो देख लो ऐसा कुछ पुल है, ये ऐसा कुछ पुल है, देखो ये छोटा सा, और यहाँ पे सब जंगल, ये वाला सब जंगल है। ठीक है, और ये वहाँ पे हमारी बाइक। तो हेलो भाई लोग, अभी खाने का टाइम हो रहा है और मैंने खाना पहले खा लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे बैठ के खाना मैंने खा लिया है। वहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है छोटा सा, और ये देख लो मैंने आगे बोला था वो जंगल सब। तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा जंगल जैसा लगा मुझको खाने के लिए, अच्छा लोकेशन लगा, इसलिए मैं यहाँ खाना खाने के लिए बैठ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन है, देख लो ये सब। अभी थोड़ा सा अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। देख लो यहाँ से तो सब ऐसा झाड़ी इलाका है, जंगल सब, देख लो। और अभी गर्मी का टाइम शुरू हो गया है, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, देख लो, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं, बिल्कुल सन्नाटा है, देख लो, कोई भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और वहाँ पे बाइक पड़ी है, देख लो वो बाइक, वो मंदिर पे मैं खाना खाने के लिए बैठा था वो। ठीक है, ये मंदिर पे मैं खाना खाने के लिए बैठा था, और यहाँ पे ऐसा कुछ है नज़ारा। तो चलो अभी और थोड़ा सा अंदर जाकर मैं दिखाता हूँ, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा जंगल है। ठीक है, देख लो यहाँ पे किसी ने चाय बनाकर पिया लगता है ये वाला, और यहाँ पे ये देख लो, तो ऐसा कुछ नजारा है। अभी और अंदर मैं आ गया हूँ, ठीक है, तो पीछे मंदिर भी नहीं दिखाई दे रहा, इतना मैं अंदर आ गया हूँ। और ये रास्ता तो देखो यहाँ ये खेत तक ही है, फिर आगे ये रास्ता भी नहीं जाता है।
देख लो अभी यहाँ से सब खत्म हो गया। अभी ये देखो रास्ता यहाँ पे अगर खत्म हो जाता है, अब यहाँ से कहीं भी आगे जाने का रास्ता नहीं है, देख लो। तो अभी वो पीछे वाला रास्ता यहाँ पे अगर खत्म हो गया, अभी आगे नहीं जा सकते क्योंकि अंदर में जा ही नहीं सकता, इतना घनघोर जंगल है, देख लो, बहुत ही ज्यादा सुनसान। ठीक है, तो चलो अभी फटाक से अंदर जाके, मैंने खाना तो खा लिया, अभी किलोमीटर को लिखकर फिर घर पर भी जाना है। ठीक है, तो अभी दोपहर का 1 बज रहा है। ठीक है, और मैं आपको ये दिखाने के लिए आ गया क्योंकि यार ऐसे जंगल में घूमना भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, देख लो, और यहाँ पे भी एक कांटेदार जंगल है, इतना कुछ बड़ी झाड़ियाँ नहीं है, बस कांटे वाली वनस्पति है यहाँ पे, देख लो। वहां पे देखो कुछ बैठा हुआ है, क्या है देख लो, कुछ बैठा, बंदर जैसा बैठा हुआ है। तो देखो यहाँ पे ट्रेन की पटरियाँ, ये देख लो, ये जंगल के बीचों बीच से ट्रेन गुजरती है यहाँ पे। तो अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से ट्रेन की पटरियाँ निकल रही है, ये जंगल के बीचों बीच से ये ट्रेन निकलती है। ठीक है, ऐसा कुछ नजारा है। अभी चलो काम करने के लिए चलते हैं हम, देख लो ये ट्रेन की पटरियाँ है यहाँ पे, और यहाँ ये मंदिर पर मैं खाना खाने के लिए बैठा हुआ था। ठीक है, तो भाई लोग कलर में पानी खत्म हो गया है तो एक कैनल में से भर लेते हैं, देख लो वहाँ पे है कलर और यहाँ पे है कैनाल, तो यहाँ से पानी भर लेंगे ये बोतल में। तो थोड़ा सा पानी कम है, कलर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, इसीलिए उसमें पानी डालकर पतला कर देंगे। ठीक है, थोड़ा देखो यहाँ से भर लेते, ठीक है पानी ले लिया हमने। तो पानी ले लिया, तो क्या है कलर गाढ़ा होने से पिच्ची अच्छे से चलती नहीं है और टाइम लगता है कलर करने में। ठीक है, तो इसलिए पानी ले लिया है, अब पानी मिलाकर फटाफट कलर हो जाएगा। ठीक है, और यार गर्मी का टाइम आ गया, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, ठंड के मौसम में तो अच्छा होता है। जैकेट मैंने देखो वहाँ गाड़ी में रख दिया है और अभी बिना जैकेट के घूम रहा हूँ। तो हेलो भाई लोग, अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो आज दूसरा दिन है। ठीक है, कल मैंने कलर कर दिया था ये पत्थर को, आज लिखने के लिए आया था, तो आज पूरा दिन लिखने में चला गया, इसलिए मैंने आज पूरा दिन वीडियो शूट नहीं किया था, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया था। देखो वो किलोमीटर लिख दिया है, वो दिख रहा है वो, और यहाँ पे लोकेशन एक बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 4:30 हो रहे हैं, तो अभी मैं घर पे जाने के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन घर पे जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये देख लो ये छोटा सा सरोवर जैसा है, देख लो वहाँ पे है कमल के फूल, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये सरोवर जैसा छोटा सा बना हुआ है, ये सरोवर जैसा छोटा सा बना हुआ है, ये देख लो यहाँ पर भी ऐसा ही है, देखो। तो चलो अभी मैं घर पे जाने के लिए निकल रहा हूँ, और आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो फटाक से सब सामान समेट कर फिर घर पर चलते हैं। ठीक है।